Good morning, students. Welcome to online classes of Online Public School. Okay, students, we have read this lesson, a lesson in kindness. Okay, and we have completed two exercises, number one, number two. Okay, so sorry, three exercises. So we'll take out page number 7. Okay, ab hum aage ki exercises complete karenge, class 3. नंबर वन, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज क्वेश्चन. ओके, अब हमको कुछ यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इसको हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट इज द लिटिल डॉग येल्प्ड इन पेन. जो छोटा डॉगी था वो दर्द से चिल्लाया, रोया, है ना. तो इसका क्वेश्चन बनेगा, डिड द लिटिल डॉग येल्प इन पेन. क्या छोटा डॉगी पेन से चिल्लाया. ओके, तो यहाँ एक नॉर्मल सेंटेंस को हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया. नंबर टू, मिस्टर रॉय वॉक्ड बैक इनटू हिज हाउस. मिस्टर रॉय अपने घर चले गए, ये स्टेटमेंट है, एक इंफॉर्मेशन है. अब इसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिड मिस्टर रॉय वॉक बैक इनटू हिज हाउस. क्या मिस्टर रॉय अपने घर चले गए, है ना. तो डिड का यूज हम करते हैं जब हमको क्वेश्चन बनाना होता है स्टेटमेंट को. नेक्स्ट, द बॉय शोड हिज सैंडविच टू द डॉग. तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड द बॉय शो हिज सैंडविच टू द डॉग. क्या लड़के ने सैंडविच दिखाया डॉग को, है ना. ही गेव द बॉय अ हार्ड ब्लो विद हिज किक. एक स्टेटमेंट है ना, उस लड़के ने उस डॉग सॉरी He gave the boy a hard blow with his stick. है ना, उसने उस लड़के के हाथ में जोर से स्टिक मारी. ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन है, एक स्टेटमेंट है. इसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिड ही गिव, गिव का क्या हो जाएगा, गिव. डिड ही गिव द बॉय अ हार्ड ब्लो विद हिज स्टिक. क्या उसने लड़के को उसके हाथ पे बहुत जोर से स्टिक से मारा, है ना. द बॉय हैड अ बैग हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर. ठीक है, इन्फॉर्मेशन है कि बॉय ने अपने शोल्डर पर बैग टांग रखा था. तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड द बॉय हैव, हेड का हैव जाएगा, डिड द बॉय हैव अ बैग हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर. क्या बॉय के शोल्डर पर बैग टंग रहा था. ठीक है, नेक्स्ट, री राइट द सेंटेंसेस एज शोन. हाउ क्रूअल द बॉय वॉज. ठीक है, और स्टेटमेंट क्या बना इसका, द बॉय वॉज वेरी क्रूअल. ठीक है, इससे हमको स्टेटमेंट क्या मिला कि लड़का बहुत क्रूअल था. नेक्स्ट, हाउ टॉल दैट गर्ल वॉज. ठीक है, इससे हमको क्या इंफॉर्मेशन मिली कि द गर्ल वॉज वेरी टॉल, लड़की बहुत लंबी थी. ठीक है, हाउ लवली द चाइल्ड इज. बच्चा कितना सुंदर है, इससे हमको इंफॉर्मेशन क्या मिली, द चाइल्ड इज वेरी लवली. हाउ स्वीट दीज मैंगोज आर. ये मैंगोज कितने स्वीट है. ठीक है, इससे हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट. नेक्स्ट, री राइट ईच सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म लिखना है. आई एम का शॉर्ट फॉर्म आई एम, अपोस्ट्रोफी लगा के एम लिख देंगे. एक ही पूरा एम लिखने की जरूरत नहीं है, एम बट अपोस्ट्रोफी लगाएंगे. इसी तरह नेक्स्ट भी हम फिल करेंगे, पहला हम रीड करते हैं. आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री. मैं थका हुआ हूँ बट मैं भूखा नहीं हूँ. आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई एम टायर्ड बट आई एम नॉट हंग्री. ओके, आई एम नहीं पढ़ेंगे, आई एम. डू नॉट डिस्टर्ब हर, शी इज एट वर्क. उसे डिस्टर्ब मत करो, वो काम कर रही है. तो डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, डोंट डिस्टर्ब हर. ओके, डोंट डिस्टर्ब हर, शी इज एट वर्क. शी अपोस्ट्रोफी एस, हम शी के बाद एक ऊपर से कॉमा लगाएंगे जिसे हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एंड एस. ठीक है, वो काम कर रही है, शी इज एट वर्क. पूरा शी इज को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे शी इज. इट इज 10 o'clock, यू आर लेट अगेन. इट्स 10 o'clock, यू आर लेट अगेन, है ना. यू आर लेट अगेन, यू अपोस्ट्रोफी आर ई, इसको पढ़ने में यू आर ई बोलेंगे, यू आर लेट अगेन.
They are not farmers, they are gardeners. वो किसान नहीं है, ठीक है, वो बागबान है, ठीक है, गार्डनर्स. दे आर्न्ट फार्मर्स. आर नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म कैसे लेंगे, आर एन अपोस्ट्रोफी टी, आर्न्ट. दे आर्न्ट फार्मर्स. दे आर को हम कैसे लिखेंगे, दे अपोस्ट्रोफी आर ई, दे आर गार्डनर्स. नेक्स्ट, माई ब्रदर इज वेरी टॉल, ही इज अ गुड प्लेयर. माई ब्रदर इज वेरी टॉल, सेम स्टेटमेंट. ही इज को कैसे लेंगे, ही इज अ गुड प्लेयर, ही अपोस्ट्रोफी एस, एंड रीड डाउन हम ऐसे ही करेंगे, ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. लिसन प्लीज, द टीचर विल से सम वर्ड्स विद इनिशियल कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड सी एल एंड सी आर. चलो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ. देखो कुछ ब्लेंड्स होते हैं, सी एल इसको हम पढ़ेंगे क्ल, क्ल, क और ल का मिलके बनेगा क्ल, एंड सी आर क्र, क्र. ओके, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दे रखे हैं, आपको पता लगाना है कौन से ब्लेंड से वो बने हैं. चलो पहले मैं आपको फर्स्ट बताया तो आपके लिए इजी हो जाएगा. दिस इज क्लॉक, सी एल ओ सी के, क्लॉक, सी एल, क्ल, क्ल. ओके, साउंड आपको समझ में आ रही है, क्ल, क्लॉक. ओके, तो ये सी एल ब्लेंड का है. राइट सी एल एंड राइट डाउन द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लॉक. एंड वॉट इज दिस, दिस इज क्रोकोडाइल, क्र, क्र. ओके, सी एल क्ल, सी आर क्र, क्रोकोडाइल. ओके, क्रोकोडाइल. सो दिस इज, इसका ब्लेंड कौन सा है, सी आर ब्लेंड. सेम, वॉट इज दिस, दिस इज क्रेन, सी आर ब्लेंड, क्रेन. नेक्स्ट क्राउन, सी आर ब्लेंड. वॉट इज दिस, क्लाउड, सी एल ब्लेंड, क्लाउड. क्रैकर्स, सी आर क्रैकर्स. क्रिकेट, सी आर क्रिकेट. क्लाउन, सी एल ब्लेंड, क्लाउन. क्लॉथ, कपड़ा, क्लॉथ, सी एल क्लॉथ. ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ओके स्टूडेंट्स, अब आगे की एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे. ओके, तो आज आप इतनी एक्सरसाइज कंप्लीट करें अपने बुक्स में, और कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बार बार रिपीटेड मोड पे आप देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वील मीट टू यू टुमारो. बाय बाय.